अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि बच्चे बच्चे जो है ना इससे दूर रहें, क्योंकि आज होगी थोड़ी खतरनाक बात। हाँ, मगर फिक्र नहीं करो, ऐसी कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होगी। आज हम बात करेंगे उन तरक के पुचारियों की जो यूट्यूब में सस्ते तरीन हकीम बने हुए। अब कुछ सादा ही हो गए, ये है इंसानी फितरत। जो काम उनसे होता नहीं है उसी की सबसे ज्यादा टिप देते हैं, उसी का ही भाषण देते हैं। और बेटा श्री हकीम जो है ना, अबे हजारों बीमारियों का इलाज होता है उनके पास। इन चीजों के अलावा भी कितने असीम असीम हकीम गुजरे, अभी भी बहुत सारे अच्छे हकीम हैं। और हाँ, यूट्यूब में भी है, जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ उनसे। और फिर आते हैं ये अंडे से निकले हुए हकीम जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ शादी की रात तक चाहिए। ये कारो शादी की रात अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, क्यों वर्कअप जीत के आना है। ऐसा करोगे तो यूँ होगा, वैसा करोगे तो यूँ होगा, ये सबसे कारो वो सबसे कारो, ये जड़ी बूटी कारो वो जड़ी बूटी कारो। अबे पूरा चंगर गिरा दोगे क्या, अबे पेट का तो चनासा निकल जाएगा। और फिर असली हकीम के पास जाना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे टाइटल होते हैं भाई इन वीडियो के कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है आप सबको बताने के लिए। और पिक्चर भी ऐसी होती है कि देखने के काबिल नहीं होती। और थंबनेल में जो भाई लड़कियां होती है ना, या तो कोई मॉडल होती है या कोई पॉर्न स्टार को उठा के लेके आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा तो बेचारी हीरोइन होती है जिनकी ये पिक्चर लगाते हैं। एक वीडियो थी कि नई दुल्हन को कैसे खुश करते हैं, और पिक्चर आर्या भट्ट की लगी हुई थी। बंदा वैसे ही कुछ कर देगा जब आर्या भट्ट जैसी बीवी होगी, भाई बाहर से भी चरांग मार देगा वो। और इनकी बातों पे आना नहीं भाई, कि पता चला बीवी से बात करने के लिए इनकी वीडियो सुनते हुए जा रहे हो। अगर बीच में एक वाईफाई बंद हो गया तो फिर क्या करोगे, इंटरनेट वाले को गाली दोगे या इंटरनेट पैकेज करवाओगे। और वैसे भी इनका तरीका अपनाओगे ना तो बीवी चप्पर से ही मारेगी तुम्हें। इनकी नजर में मलतों की सबसे बड़ी परेशानी सब सही काम कर रहा हो और सादा फास्ट काम कर रहा हो, क्यों ओलंपिक पे बेचना है, मेडल जितवाना है। और जिरगोजे हकीमो पहरे दौरा पढ़ लो, पढ़ने का दिल नहीं है तो भाई मजदूरी कर लो, मगर ये हरकतें नहीं करो, दुनिया में वैसे बहुत टेंशन है। अबे एक चीज रहने जाओ, दूसरी दफा उसकी कीमत ज्यादा हो चुकी होती है। अबे ऐसे ऐसे जादू हो रहे हैं दुनिया में, कभी कभी तो कहते हैं कि एक चरी बूटी एक ही दफा खाओ पूरी जिंदगी खुश रहोगे। अबे क्या नशा वशा करवा रहे हो क्या। और ये सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं है भाई, औरतों की भी बहुत नॉलेज है इनको। और ऐसे ऐसे रोग नॉलेज दे रहे होते हैं जिन्होंने लड़की के नाम पे आज तक कुरिया के बाहर ही कहा है भाई, क्या बबल योर नेम में उनका नाम निकल रहा है। एक्सपर्ट बने हुए सब, आवाज सुनो तो रखते हैं ये वही है जो चीतो पाकिस्तान का हमेशा इनाम दिलवाते रहते हैं। ये करोगे तो लड़की तरफ तरफ के तुम्हारे पास आएगी। अब नॉर्मल तरीके से भी आएगी ना तो मैं खुशी होऊंगा, इज्जत करूंगा उसकी। और ये जो तरफ तरफ के आने का इराज होता है ना भाई साहब, अरा की देवर की टट्टी होती है। मैं मानता हूँ ऐसी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए इंसान को यार, मगर ये जो बता रहे ना ये नॉलेज नहीं है, ये बवासीर है भाई। औरत और मर्द को यूं करना चाहिए, ये करना चाहिए। अबे शादी की रात के आगे भी जिंदगी होती है भाई। और हाँ, एक तो वो आंटी भी आती थी भाई अबाया पहन के फुल कवर होके, और ऐसी बातें होती थी ना उनकी भाई कि लोगों को शक होने रख गया ये औरत नहीं ये आदमी है। और उनके व्यूज तो भाई आसमानों में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाम ना थोड़ी बहुत टर्की है भाई, वो दीवाने हो जाते हैं जब ऐसी बातें किसी लड़की से सुन रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ ये जमुना बंदी खत्म करो, और ये उल्टी सीधी किताबें और ये वेबसाइट देखना बंद करो जिसको देख के तुम्हें लगता है हर इंसान तो इसी के लिए भूखा है। हो सकते हो लोग, मुझे सबका पता नहीं, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम्हारे अंदर ये कीड़ा है ऐसी वीडियो बनाने का, तो भाई टाइटल और ये पिक्चर विक्चर ना ये अच्छी लगा रहो, और अल्फाज भी अच्छे इस्तेमाल करो। ये क्या खुरफाती अल्फाज होते हैं भाई, कैसी तरफ हो रही है, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ के इशारे करके कहाँ कहाँ के नाम लेते रहते हो। और इससे आके तुम्हें मैं क्या समझाऊँ, तुम्हारा उस्ताद तो भी बैठा हुआ हूँ मैं, और मैं भी चलता हूँ। ना ना इनके पास नहीं जा रहा मैं वीडियो को एंड करने की बात कर रहा हूँ। ये तो मुझे यूट्यूब पे नजर आ गई थी तो मैंने भाई गुस्से में तब तब आके ये वीडियो बना दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।